नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आईपीएल को लेकर चलाया जा रहा अभियान के तहत जिले में लगभग 6 स्थानों पर पुलिस की ऐतिहासिक कार्रवाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश की पुलिस को निर्देशित कर दिया है, जितने भी अवैध कारोबार वाले माफिया हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। गुंडे हों, असामाजिक तत्व के लोग हों या सटोरिये हों, उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई जारी रखें। इनके अवैध निर्माण को भी जमींदोज करें। सोशल मीडिया पर कुछ गुंडे तत्व के लोग अवैध हथियार लेकर अपना फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर लोगों में दहशत फैलाने का कार्य कर रहे थे। पहले शहर में इस प्रकार की घटना अक्सर होती थी, लेकिन अब शहर से ग्रामीण की ओर अग्रसर हो चुकी है। माकडोन थाना क्षेत्र में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हाथ में पिस्टल लिए एयर फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल कर रहे थे, जिसको लेकर उज्जैन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली है। सर, उज्जैन पुलिस को लगातार सफलता मिलती चली जा रही है, आईपीएल के सट्टे को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसा कि आपको विदित है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं और अवैध जुए सट्टे के खिलाफ में कार्रवाई पुलिस करती है। दिनांक 15/4 से 30 मई तक एक अभियान चल रहा है, जिसमें अवैध जुआ सट्टा, अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उसी तारतम्य में उज्जैन में लगभग सभी थानों में 6 आईपीएल के केस बनाए गए हैं अभी तक, और जिसकी लगभग अनुमानित कुल राशि 5,01,430 है, और ऑन रिकॉर्ड अन्य जगहों पे अलग अलग राशियां हैं। इसमें अभी तक कुल 6 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए हैं, और अभी आईपीएल चूँकि लगातार जारी है और इस पर उज्जैन पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक और मामला सामने आया है कि कोई ग्रामीण थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एयर फायरिंग की जा रही है असामाजिक तत्वों को लेकर, क्या कार्रवाई? कल माकड़ोन थाना में एक मामला सामने आया था, जिसमें सोशल मीडिया पर पिस्टल बता करके उसे बेचने और उसको अन्य लोगों को देने के संबंध में एक पोस्ट वायरल हुई, जिस पर से थाना प्रभारी माकड़ोन द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। ग्राम कड़ोदिया में पहुंच करके जो उक्त आरोपी था उसे कस्टडी में लिया गया, विधिवत रूप से पिस्टल जब्त की गई। साथ ही साथ उनके द्वारा जिन लोगों से पिस्टल लेना बताया गया, उन लोगों के भी नाम उस विवेचना में बढ़ाए जा रहे हैं और अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कुल कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में? अभी तक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पिस्टल के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आगे भी लिंक इसमें जोड़ी जाएगी।